तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अपने पेज वैकेंसी वाला के साथ। तो बिना किसी देरी के फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नियम ऑफ पोस्ट क्या है। नियम ऑफ पोस्ट में पता चल जाएगा कितना सीट है, किस चीज़ का पोस्ट है। पोस्ट का नेम है BSC ग्रुप बी एंड सी वेरियस पोस्ट कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट HC SI SI। कॉन्स्टेबल HC SI SI का रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन फॉर्म 2024 यानी 82 पोस्ट है। फॉर्म अपडेट का डेट आपके सामने है 17 मार्च 2024 को 2:06 डेट आया है। अब फटाफट से हम नीचे की ओर चलते हैं। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कब फॉर्म डलाएगा, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। अब फटाफट से इम्पोर्टेंट डेट्स की ओर आते हैं। एप्लीकेशन बिगिन 17/3/2024 यानी कि 17 मार्च को एप्लीकेशन बिगिन हुआ है और 15/4 यानी कि 15 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा 17 से, यानी कि लगभग 1 महीना। लेकिन 1 महीने का इंतजार हम लोग को नहीं करना है। 17 मार्च से शुरू हुआ तो हम लोग 20 मार्च तक फॉर्म होली से पहले भर लेना है। एग्ज़ाम फी का लास्ट डेट 15 अप्रैल तक ही है। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल एडमिट कार्ड भी प्रो एग्ज़ाम अवेलेबल करा दिया जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है। जनरल OBC EWS के लिए 147.2 रुपया है। 147.2 रुपया SC ST या फिजिकल इंडिविजुअल के लिए मात्र 47 रुपया है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 47 रुपया है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट क्या है, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है हर जगह अलग अलग है। मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर SI वर्क एंड SI इलेक्ट्रिकल। SI सीट के लिए 30 साल मैक्सिमम है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स कम्पेटाइज है। एज लिमिट 15 मैक्सिमम 20 से 25 ईयर्स पोस्ट वाइज है। अब पोस्ट वाइज में देख लेते हैं, वहाँ पर सब चीज़ क्लियर से पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 82 पोस्ट है। पहला पोस्ट का नाम देखते हैं सब इंस्पेक्टर SI जिसको बोलते हैं। टोटल 13 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया होने चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में आते हैं, मेल का हाइट 165 होना चाहिए, 76 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं, उसके लिए 9 पोस्ट है। उसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में 165 मेल के लिए हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए हाइट 157 होना चाहिए। अब नीचे की ओर आते हैं। हेड कॉन्स्टेबल प्लम्बर में क्या है, हेड कॉन्स्टेबल कारपेंटर में क्या, दोनों के लिए एक सीट है। इसमें 10th बस ITI से होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए और हाइट 165 होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। तो एक ही सीट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10th with ITI इसमें होना चाहिए, हेड कॉन्स्टेबल कारपेंटर में। फिजिकल स्टैंडर्ड बाकी सब सेम है, हाइट और चेस्ट। अब देखते हैं ऑपरेटर में क्या है और मैकेनिक में क्या है। इसमें 13 पोस्ट है, इसमें 14 पोस्ट है। कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर जो है इसमें क्लास 10th matric with ITI। सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें देखते हैं मैकेनिक में क्लास 10th matric with ITI या डिजिटल मोटर मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। ऐसे ही कॉन्स्टेबल लाइनमैन का सेम है, इसमें VITI मांग रहा है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट में 8 पोस्ट है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा भी रिलीवेंट ट्रेड और ग्रुप X डिप्लोमा इशूड बाई इंडियन एयरफोर्स होना चाहिए। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स क्या है। BSF सब इंस्पेक्टर है, BSF जूनियर इंजीनियर है। UR का 7 पोस्ट है, 5 पोस्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। अगर बाद में देखना होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फटाफट से कि फॉर्म कैसे डलाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपके सामने दिख रहा हो, क्लिक है आपके सामने। हम लोग लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि पेज कैसा खुलता है, ताकि जब आप लोग पेज खोलिएगा तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। सीमा सुरक्षा बल का पेज आपके सामने खुल चुका है। अब देखते हैं करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग यहाँ पे दे रहा है। ग्रुप बी पोस्ट कम्बाइन नन गेट ग्रेजुएटाइज नन मिनरल इन BSF इंजीनियरिंग सेटअप फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। अब देखते हैं अप्लाई हियर यहाँ पे दे रहा है। ग्रुप सी वाले में अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, और ग्रुप बी वाले पे क्लिक करना है तो अप्लाई हियर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रॉम वैकेंसी वाला। जय हिंद।